हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डीएसएन टेक्निकल में एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपको बताऊंगा, अब एटीएम में एक नया फंक्शन आया हुआ है बार कोड स्कैन का। जी हाँ दोस्तों, एटीएम का क्यूआर जो स्कैन कोड है, तो बहुत सारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है और या कोई बैंक ऑफ इंडिया किसी ने लॉन्च किया है कि आपके पास मान लीजिए एटीएम नहीं है, ठीक है, और आपके पास मोबाइल है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप एटीएम के करीब जाइएगा और वहाँ पर आपको वहाँ पर ऑप्शन देता है, ऑप्शन को ओके कीजिएगा, वहाँ पर बार कोड का ऑप्शन आता है, बार कोड ओपन की को स्कैन कीजिएगा अपने मोबाइल से, तो उसमें आपको अमाउंट का ऑप्शन देता है। अमाउंट आपको 5000 निकालना है, तो 5000 को ओके कीजिएगा, तो आपको मतलब ओके करके सेंड कर दीजिएगा, तो एटीएम से आपको 5000 आपको विड्रॉल हो जाएगा बिना एटीएम का। मतलब बिना एटीएम का आप किस तरह से पैसा निकाल सकते हैं, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको कैश इन हैंड है। जी हाँ दोस्तों, कैश कलेक्शन या कैश इन हैंड के नाम से है, आप उसको ओके कीजिएगा और ठीक है। उसके बाद आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जनरेट करने मतलब आपको अमाउंट जितना लेना है, ठीक है, कैश ओपन कीजिएगा, अमाउंट जितना भी लेना है और पास के एटीएम में जाके ओके कीजिएगा, तो आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे और उस सिस्टम को वहाँ पर कैश इन हैंड को ओके कीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पे जो आपको ओटीपी आया उस पर ओके कीजिएगा, जो जो अमाउंट आपको उस वक्त डाले थे वो अमाउंट आपको एटीएम मशीन से निकल जाएगा। मैंने ट्राई किया था, मेरे सिटी में अभी ये मतलब फंक्शन ऑन नहीं है, ये बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन सिस्टम एटीएम के ऊपर होता है, हर एटीएम का अलग अलग फंक्शन होता है, वो उस एटीएम में डालिएगा तो कार्ड अंदर ले लेता है, वो उस एटीएम है कि कार्ड नहीं, वो लोग डर भी जाते हैं, तो उसी तरह एटीएम में हर का अलग अलग अपडेट रहता है। मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो एटीएम का बहुत जगह पिन बनाने का ऑप्शन ही नहीं रहता, तो वो एटीएम के सेटिंग के ऊपर रहता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि ये न्यू जानकारी आपको दे दूँ आसान तरीके से। कैसी लगी वीडियो हमारी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए।